कौन बनेगा मुख्यमंत्री, यह प्रश्न पांच राज्यों के चुनाव परिणाम के चौथे दिन भी जस का तस बना हुआ है। राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में अपनी बंपर जीत के बाद सीएम के चेहरे को लेकर बीजेपी ने कवायद तेज कर दी है। राजस्थान में भी सियासी छत्रपों के यहां समर्थन देने वाले विधायक गुपचुप में मुलाकातें कर रहे हैं। जयपुर से दिल्ली तक बैठकों और मुलाकातों के दौर जारी है। और इसी बीच राजस्थान में सीएम पद को लेकर तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। अब चुनाव में जीत हार से भी ज्यादा जिज्ञासा प्रदेश के वोटर के लिए इस यक्ष प्रश्न को लेकर है कि आखिर सीएम कौन बनेगा। तमाम टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग टकटकी लगाए बैठे हैं कि आखिर कोई तो अपडेट मिले, और यह जानने की जिज्ञासा होनी भी चाहिए, क्योंकि अपना अनमोल वोट देकर जनता जनार्दन तो अपना फैसला 3 दिसंबर को ही सुना चुकी है। कोई न्यूज चैनल वसुंधरा राजे को सीएम की रेस में सबसे आगे बता रहा है, तो कोई भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को। कहीं पर भगवादारी बालकनाथ की बात हो रही है, तो कहीं पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल भी इस रेस में चर्चाओं में। हालांकि नाम लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का भी चल रहा है। यूं तो राजस्थान में सीएम नियुक्त किए जाने को लेकर एक लंबी औपचारिकता की जाएगी, लेकिन विधायक दल की बैठक के साथ पर्यवेक्षकों का जो फीडबैक है वो आला कमान को दिया जाना है। और इसके बावजूद भी अंदर खाना से जो खबरें मिल रही है उसका रहस्योद्घाटन हम करना चाहेंगे। दरअसल दिवंगत भैरव सिंह शेखावत के बाद राजस्थान में बीजेपी की कमान वसुंधरा राजे ने संभाली थी। अपने सियासी अनुभव और तेज तर्रार छवि के चलते राजे की प्रदेश के हर वर्ग विशेष में जबरदस्त पकड़ है। राजस्थान में राजे को अशोक गहलोत से भी ज्यादा लोकप्रिय नेता माना जाता रहा है। भले ही पीएम नरेंद्र मोदी से वसुंधरा राजे की अदावत पुरानी हो, लेकिन वसुंधरा राजे जैसा सियासी अनुभव और प्रशासनिक प्रबंधन वाला कोई दूसरा चेहरा भी तो नजर नहीं आता है। वसुंधरा राजे 2 बार राजस्थान में सीएम रह चुकी हैं, जबकि 6 बार विधायक और 5 बार सांसद भी रह चुकी हैं। चुनाव परिणाम आते ही राजे के निवास पर 50 से ज्यादा विधायकों का जमावड़ा भी यही कहानी बयां करता है कि राजस्थान की लीडरशिप के लिए वसुंधरा राजे से ज्यादा परफेक्ट कोई भी नहीं है। लेकिन अंदर खाने की खबरें यह भी है, उसका दूसरा पहलू यह भी है जो सामने आ रहा है कि वसुंधरा राजे को आला कमान अभी भी सीएम नहीं बनाना चाहते हैं। राजस्थान में वसुंधरा राजे के विकल्प को लेकर अब दिल्ली में तोला माशा चल रहा है, यानी कि आला कमान को वसुंधरा राजे का विकल्प ढूंढने में भारी मशक्कत करनी पड़ सकती है। अगर सीएम पद के लिए राजे के विकल्पों की बात करें तो सबसे पहले यह आएगा कि विचार आएगा कि हिंदुत्व छवि वाला कोई चेहरा राजस्थान का नया सीएम हो सकता है। दरअसल चुनावों से 3 माह पहले तक राजस्थान में बीजेपी हाशिए पर नजर आ रही थी। गहलोत की वेलफेयर स्कीम्स के सामने बीजेपी टिक नहीं पा रही थी। इस दौरान बीजेपी ने गहलोत की योजनाओं में काट छांट करके अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया था, लेकिन आखिर में हिंदुत्व कार्ड खेलने के अलावा बीजेपी के पास कोई दूसरा चारा नहीं नजर आया, और यह हिंदुत्व कार्ड चल भी निकला, जिसने भाजपा को बंपर जीत भी दिला दी। अब आला कमान चाह रहा है कि राजस्थान में भी योगी आदित्यनाथ जैसा ही कोई फायर ब्रांड नेता सीएम की कुर्सी संभाले, जो आरएसएस को भी पसंद हो और राजस्थान में हिंदुत्व की लहर को सालों साल बरकरार भी रखे। राजस्थान का मीडिया तो तिजारा से नवनियुक्त विधायक बाबा मालकनाथ को सीएम बनाने तक के दावे भी कर चुका है, क्योंकि बाबा बालकनाथ योगी आदित्यनाथ की तरह ही नाथ संप्रदाय से ताल्लुकात रखते हैं। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह भी होगी कि बालकनाथ योगी आदित्यनाथ जैसा सियासी प्रशासनिक अनुभव नहीं रखते हैं। सांसद रहते हुए वे राजस्थान में इतने सक्रिय भी नहीं रहे हैं, तो फिर कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री? अब दूसरे नंबर पर आते हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, जिनको पार्टी की कमान तक तब संभाली गई जब पार्टी पूरी तरह हाशिए पर आ चुकी थी, गुटबाजी में बटी हुई थी, और राजस्थान में पिछली राज्य सरकार का जो रिकॉर्ड था उनकी सरकार का वो भी चुनौती बना हुआ था। सीपी जोशी ने पार्टी को फिर से कहीं ना कहीं एकजुट किया और आला कमान के रोड शो से लेकर जनसभाओं तक की जो कमान संभाली, और आला कमान उनसे खुश भी है।
राजस्थान में सीएम पद की दौड़ में अश्विनी वैष्णव का भी नाम चल रहा है। इसके अलावा यहाँ का मीडिया ओम बिरला जो कि लोकसभा अध्यक्ष हैं, दिया कुमारी तक के नामों पर भी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अब तय यह माना जा रहा है फिलहाल कि वसुंधरा राजे को तो सीएम नहीं बनाया जाएगा। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर आला कमान वसुंधरा राजे को किसी भी कीमत पर सीएम क्यों नहीं बनाना चाहता है। पहली वजह है पीएम नरेंद्र मोदी से राजे की पुरानी अदावत। जब वसुंधरा राजे राजस्थान में सीएम थी और मोदी गुजरात में सीएम थे, तब गुजरात और राजस्थान के बीच एक जल समझौता होना था जिसके लिए राजे तैयार नहीं थी। इसके अलावा 2019 के आम चुनाव में जब मोदी दोबारा पीएम बने तो राजस्थान में उन्हें काले झंडे दिखाए गए। बताया गया कि ये काले झंडे दिखाने वाले वसुंधरा समर्थक बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे। इसके अलावा 2018 के विधानसभा चुनाव में भी जब बीजेपी ने सीएम का चेहरा नहीं बनाया तो हार का ठीकरा वसुंधरा राजे और उनके समर्थकों ने मोदी पर ढाल दिया था। इसके अलावा इस बार के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा 150 से ज्यादा सीट जीतने के लिए पूरी तरह आश्वस्त थी, लेकिन सीटें मिली सिर्फ 115 ही। अब चर्चाएं हैं कि जो विधानसभा चुनाव में 30 से 15 मौजूदा विधायक हारे हैं उनको हराने का सीधा आरोप वसुंधरा राजे पर मढ़ दिया गया है। वसुंधरा राजे इन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करने भी नहीं गई थी और विधायकों को हराने के षड्यंत्र का भी उन पर आरोप लगाया जा रहा है। दूसरी ओर आरएसएस और वसुंधरा राजे की भी पटरी कभी जमी नहीं। आरएसएस को वसुंधरा राजे की सॉफ्ट पॉलिटिक्स वाली छवि से समस्या है और उनको कट्टर हिंदुत्व वाले फायर ब्रांड चेहरे की तलाश है। इसके अलावा राजे का राजस्थान के केंद्रीय मंत्रियों को तवज्जो नहीं देना भी एक बड़ी वजह बन सकता है कि वे जो उनको सीएम बनने में रोड़ा अटकाए। इसके अलावा वसुंधरा राजे पर यह भी आरोप है कि उन्होंने अशोक गहलोत की सरकार को सियासी संकट के दौरान फायदा पहुंचाया था, सपोर्ट किया था। खैर, वसुंधरा राजे का अनुभव, प्रशासनिक प्रबंधन और लोकप्रियता भी इस बार उनको सीएम नहीं बना पाएगी। यानी सीएम बनेगा कोई और ही चेहरा, नया चेहरा। चलिए सियासी तलछट में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।